हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में बिग बॉस के घर जाने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, अगर आप भी सिद्धार्थ शुक्ला को करते हैं घर के बाहर से सपोर्ट, और दोस्तों आपका वोट है सिद्धार्थ की तरफ इस बार के नॉमिनेशन में, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप सभी बता सकते हैं कि किसे आप घर का अगला वीवो कैप्टन देखना चाहते हो। दोस्तों कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। आपको बताओ दोस्तों, इस कैप्टेंसी टास्क में क्या क्या होने वाला है पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये कैप्टनसी टास्क थोड़ा अभी तक के कैप्टनसी टास्क से अलग होगा, क्योंकि इसमें जितने भी कंटेंडर हैं सभी के एक एक फोटो फ्रेम अलग अलग कंटेस्टेंट के गले में टांग दी गई है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई कैप्टन बनेगा इसकी पूरी की पूरी दूसरे कंटेस्टेंट को पावर होगी, क्योंकि वही उसे नष्ट करेगा या वही उसे बचाएगा। जिसके बचे हुए फ्रेम रहेंगे वो कैप्टन बन जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं, इसके लिए गार्डन एरिया में बनाए गए हैं एक फ्लेम एरिया जहां पे आपको फोटो नष्ट करना है, साथ ही साथ एक वैलिड रीजन देना है कि आप उन्हें क्यों घर का कैप्टन बनाते हुए नहीं देखना चाहते हो। दोस्तों आपको बता दूं, यहां पे काफी बेहतरीन तरीके से सिद्धार्थ और आसिम दोनों ही चाहते हैं कि वो विनर कंटेंडर्स बनाए ना कि बने। यहां दोस्तों आपको बता दूं कि सिद्धार्थ की टीम पूरी अलग अपनी प्लानिंग में रहती है, और आसिम जो अलग टीम में है वो अपनी अलग प्लानिंग में रहती है। सिद्धार्थ की टीम से वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पारस या माहिरा बन जाए, और साथ ही साथ दूसरे टीम से सिर्फ और सिर्फ रश्मि देसाई के लिए सभी लोग खड़े होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इस टास्क में काफी स्ट्रेटेजी बनती है और काफी लोग चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि कौन कौन बाहर हो गया। मधुरिमा बाहर हो चुकी है, शेफाली जरीवाला बाहर हो चुकी है कैप्टनसी रेस से, साथ ही साथ दोस्तों विशालादित्य सिंह, आरती सिंह भी बाहर हो चुके हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन कंटेंडर बने हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आप कमेंट करके बताइए कि आप किसे कैप्टन बनते हुए देखना चाहते हो। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को, देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।